हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद ब्रोस में। और आज हम बात करने वाले आपकी हमारी सबकी फेवरेट बन चुकी गेम पबजी मोबाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम ट्रोल करेंगे पबजी गेम को, करेंगे कुछ चटपटी सी बातें पबजी मोबाइल के बारे में। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अरे बेटा जी, ये क्या था? ये तो बस वेटिंग रूम है। अब सोचिए, यहाँ अगर इतनी लड़ाई है तो अंदर गेम में कितनी होगी। मेरी भी पहली बार जब खेला था ना, तो मेरी भी फट गई थी। यकीन नहीं हो रहा आपको? तो खुद देख लो यार, खुद देख लो। भाई इस गेम की सबसे गंदी बात ये है यार, भेदभाव। यानी लड़की को अलग ट्रीट करेंगे बंदे और लड़के को अलग ट्रीट करेंगे। मतलब अब एग्जांपल देख लो आप, समझ जाओगे खुद ही। और यही एमओ अगर कोई बंदा मांग ले ना, तो ऐसी रिएक्शन होती है दूसरे बंदों की, देख लीजिए। भाई अब एडिक्शन की क्या बात करें यार। मतलब जब भी हम छत पे होते हैं ना, और ऊपर से कोई प्लेन गुजर जाए, तो बस मेरी नज़र चारों ओर दौड़ पड़ती है। लड़कियां देखने को नहीं भाई, लड़कियां देखने को नहीं, इतना ठरकी नहीं हूँ। ड्रॉप देखने के लिए, ड्रॉप कहाँ गिर रहा है वो देखने के लिए। और जब मम्मी बोलती है ना, चलो बेटा दूध पी लो, तो हम भी कहते हैं नहीं मम्मी दूध नहीं चाहिए, एनर्जी ड्रिंक दे दो। तो इतना एडिक्शन हो चुका है पबजी का कि रात के तीन तीन चार चार बजे तक मैचिंग चलती है बंदों की। इतने एडिक्ट हो चुके हैं पबजी मोबाइल पे बंदे। न्यू गेमर के क्या कहने हैं भाई, न्यू गेमर के क्या कहने हैं। इन्हें तो लगता है कि अपन ही इस गेम के करता धरता है, अपन ही सब कुछ है। और जब अपन गोलियां चलाएंगे ना, तो अपनी गोलियों से मतलब दुश्मनों की तो बढ़िया फट जाए। लेकिन जब इन पे गोलियां चलती है ना, और इन्हें पता नहीं चलता साला गोलियां आ कहां से रही है, तब इन न्यू गेमर्स का रिएक्शन होता है इस अगली वाली वीडियो के जरिए, देखिएगा आप। और गोलियां लगने के बाद जब ये न्यू गेमर्स नॉकआउट होते हैं ना, तो इनके मुंह से आवाज आती है सिर्फ एक, हेल्प 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 हेल्प। तो इन न्यू गेमर्स के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ तुम्हें। तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा। मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना, क्यों चलाई गोली? भाई 15x तो पबजी मोबाइल में है नहीं, बट 8x है। जब 8x मिलता है ना, तो जो खुशी होती है ना यार, वो शब्दों में बयां नहीं होती है। अब कैसे बताओ यार तुम्हें, इतनी इतनी बढ़िया खुशी होती है 8x मिलने की कि मतलब यार मैं तो नहीं बता पाऊंगा आपको। आप ये अगली वाली वीडियो देख लो, और बस समझ जाओ कि जब 8x मिलता है तो कैसे फीलिंग होती है। यही एपेक्स किसी नूब प्लेयर के हाथ लग जाए ना, तो इनको तो लगता है कि अब तो फाड़ के रख देंगे सबकी, कह के ले लेंगे सबकी बस। तो उन नूब गेमर्स के लिए मेरी एक सलाह है कि भाई इतना ये वीडियो देख लो तुम, और बस समझ जाओ कि क्या है और क्या नहीं है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। और कभी आप किसी AKM या स्कारेल वाले बंदे को अपनी पिस्टल से मार देते हो ना, तो कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि यार कुछ तो भी बहुत भारी कर दिया अपन ने। मतलब ऐसी फीलिंग होती है यार ये। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा सीन अच्छा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हो गाइस, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।